नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एस के लाइव में। और आज 19 तारीख है और आज पहली फेज का 18वीं लोकसभा चुनाव है और पहली फेज का मतदान जो है शुरू हो गया है। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व सीएम, पूर्व राज्यपाल मैदान में उतरे हुए हैं। 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर फिलहाल वोटिंग सुबह के 7 बजे शुरू हो गई है। हम फिलहाल मौजूद हैं जलपाईगुड़ी, जो पार्लियामेंट्री असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर, और मेरे पीछे आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहां पर 4 बूथ बने हुए हैं और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां पर आकर जमा हुए हैं यहां पर वोट डालने के लिए, अपने जो मतदान की क्षमता है उसका इस्तेमाल करने के लिए। बड़ी संख्या में पुरुष महिलाएं दोनों ही इस वक्त लाइन में खड़े हैं और अपने मतदान की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए ये लोग पहुंचे हैं मतदान केंद्रों की तरफ। और बताते चलें कि 18वीं लोकसभा के लिए फर्स्ट फेज में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर फिलहाल वोटिंग हो रही है। और सीटों के हिसाब से अगर देखें तो ये 18वीं लोकसभा, ये जो लोकसभा का मतदान चल रहा है, इसका सबसे बड़ा फेज है अगर हम सीटों के हिसाब से देखें। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है और शाम को 5 बजे तक ये वोटिंग जो है वो चलेगी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अगर माने तो शाम के 6 बजे तक जितने भी तमाम लोग लाइन में रहेंगे उन सभी का वोट लिया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो आज अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा इलेक्शन भी हो रहे हैं, जहां पर 32 विधानसभा सीटों पर, सिक्किम की अगर बात करें तो वहां 32 विधानसभा सीटों पर आज इलेक्शन होना है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 60 विधानसभा सीटों पर भी इलेक्शन चल रहा है। और मतदान का, चुनाव का महापर्व इस वक्त आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैमरे की निगाह से आप देखें तो जिस तरफ भी नजर घुमाएंगे आपको मतदाता यहाँ पर नजर आएंगे, जो वोटिंग की प्रक्रिया में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देने के लिए सुबह में करीब 5 बजे से ही लाइनें लगना शुरू हो गई थी। और इस वक्त मतदान की प्रक्रिया का जो प्रोसेस है वो फिलहाल चल रहा है। और जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जलपाईगुड़ी विधानसभा क्षेत्र है लेकिन ये पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी भी है जलपाईगुड़ी की, जिसमें फिलहाल हम मौजूद है। और ये इस वक्त एसके लाइव के कैमरे से लगातार जो हम चुनाव की बड़ी कवरेज कर रहे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जयकांत स्टेट प्लान प्राइमरी स्कूल है जहां पर इस वक्त ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आशीघर घुकुमाली का इलाका है जलपाईगुड़ी जिला का, और ये मतदान की प्रक्रिया इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं एसके लाइव के कैमरे से। पुरुष और महिलाओं की अलग अलग लाइन की व्यवस्था की गई है, अलग अलग लाइन में जाकर मतदान की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं बढ़ चढ़ कर इस वक्त जो मतदाता हैं इस इलाके के। और अगर बात करें आज तो इस फर्स्ट फेज में करीब 16 करोड़ से ज्यादा कुल जो वोटर हैं, वो 16 करोड़ से ज्यादा कुल वोटर इस वक्त आज अपना वोट डालेंगे इस फर्स्ट फेज में, और जिसमें से करीब 8.40 करोड़ पुरुष हैं, 8 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं, 11,000 से ज्यादा थर्ड जेंडर के लोग हैं और 35 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, पहली बार अपना वोट डालेंगे। 14 लाख से ऊपर वो लोग हैं जो 85 साल से ऊपर के वोटर्स हैं, और 13 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो दिव्यांग वोटर्स हैं। और इस वक्त ये नजारा एसके लाइव के कैमरे से हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जयकांत स्टेट प्लान प्राइमरी स्कूल है आसीघर इलाके में, जलपाईगुड़ी जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर 4 बूथ हैं और उन 4 बूथों में इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और ये पहला फेज है 18वीं लोकसभा चुनाव का, जिसमें कुल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से ये वोटिंग चल रही है और लगातार ये बड़ी कवरेज इस वक्त एसके लाइव के कैमरे से हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे भी तमाम जो मतदाता हैं वो खड़े हैं। पुरुषों की अलग लाइनें हैं,
महिलाओं की अलग लाइनें हैं और कतारबद्ध तरीके से किस तरह से तमाम जो महिला और पुरुष हैं इस वक्त अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करने के लिए जा रहे हैं, चुनाव का जो महापर्व है इस महापर्व में अपना योगदान दे रहे हैं। और हम आगे भी दिखाएंगे कि यहाँ पे इसी तरह से बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस वक्त मतदान की प्रक्रिया जो है वो चल रही है और इस मतदान की प्रक्रिया में तमाम जो मतदाता है वो शामिल होने के लिए आए हैं। पुलिस की चाक चौबंद भी अच्छी तरह से लगातार जो कतार है लाइन है उसको ठीक करवा रही है पुलिस। और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो आज कूच बिहार, अलीपुर द्वार, जलपाईगुड़ी इन सभी जगहों पर फिलहाल मतदान की प्रक्रिया चालू है। अलीपुर द्वार लोकसभा केंद्र की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत 7 विधानसभा केंद्र आते हैं, अलीपुर द्वार, कुमारग्राम, कालचीनी, फालाकाटा, मदारीहाट, वीरपाड़ा, नागरा काटा और तूफानगंज। और तमाम जो मतदाता हैं इस वक्त आप देख सकते हैं अपने मतदान करने के लिए, अपने मतदान की व्यवस्था को सुचारू रूप से किया जा सके इसीलिए कतारबद्ध तरीके से वोटर कार्ड अपना हाथ में लेके तमाम जो लोग हैं वो खड़े हैं और बात भी करने की कोशिश करेंगे। दादा कितने बजे से आए हैं आप? हम 7 बजे 7 बजे आए हैं। यहाँ पे व्यवस्था कैसी लग रही है? अच्छा है, अच्छा यहाँ पे अच्छा है, अच्छी है व्यवस्था, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं? कोई असुविधा नहीं है, हम लोग का यहाँ पे एकदम ठीक ठाक चल रहा है। क्या नाम है आपका दादा? सुशांत सरकार। तो आपने देखा यहाँ के एक वोटर है सुशांत सरकार जी, जिनसे फिलहाल हमने बात की, जिन्होंने ये बताया एसके लाइव को कि यहाँ पे व्यवस्था जो है वो अच्छी है, किसी तरह की कोई असुविधा महसूस नहीं हो रही है उनको। और अपने मतदान की प्रक्रिया में, इस मतदान की प्रक्रिया में, चुनाव के महापर्व में वोट करने के लिए फिलहाल पहुंचे हुए हैं जयकांत स्टेट प्लान प्राइमरी स्कूल में, जहां हमने पहले भी बताया हमारे दर्शकों को कि 4 बूथ है और किस तरह से वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है, ये तमाम जानकारी अभी भी आगे भी लगातार आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। बने रहिए एसके लाइव के साथ, देखते रहिए एसके लाइव। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पीथिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसे जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9775542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। वो क्या हुआ है? मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है, तो मेरा जो इश्यू होता है मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, फोर व्हीलर हो या फिर बस, पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ, मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख नहीं। यहाँ पे पेन हो रहा है? यहाँ पर भी आ जाता है, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है। यहाँ तक रिलैक्स, it's now 2 out of 10 it is 2। contact number আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ।